अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नसीमास कुक बुक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रसमलाई की रेसिपी। ये रसमलाई ऑथेंटिक रसमलाई नहीं है, बल्कि इसका एक फ्यूज़न रेसिपी है। इसे मैंने क्रिएट किया है और आप देखेंगे ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए टाइम और इन्ग्रीडियंट्स बहुत ही कम यूज़ होते हैं। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप टाइम पर मेरे वीडियोस को देख सकें। तो आइए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे तो मीडियम साइज़ के मैंगो, आम, और ये मैंने मीडियम साइज़ लिए हैं इसलिए मैंने दो लिए हैं। आप अगर बड़े साइज़ का ले रहे हैं तो आप एक ही लें। तो यहाँ पे मैं इसे पील कर ले रही हूँ। अच्छी तरह से मैं इसका छिलका निकाल दूँगी। और मेरी बेटी ने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे ड्राई फ्रूट चाहिए और उसे आलमंड्स बहुत पसंद है, और मैंने दे रखा है फिर भी उसे यहाँ से ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं आम को काट ले रही हूँ। बस इसे रफली पीस करना है, ज़्यादा शेप में नहीं काटना, बस इसी तरह से इसे काट लेंगे हम। और काटने के बाद इसे हमें पीसना भी है, तो मैं इसे पील करके इसे पीस लूँगी। इसमें देख रहे हैं आप कि रेसे बिल्कुल नहीं है, तो इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आम में रेसे हों तो आप उसे छान ज़रूर लें, वरना वो फंसेंगे फिर खाने के वक्त। गुठलियों को मैंने फेंक दिया है और आम को अब हम पीस लेंगे। एक मिक्सी जार ले रही हूँ मैं और उसमें मैं इस आम के पीसेस को पीस लूँगी। फाइन सा पेस्ट बना लेना है इसे हमें, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर दो बार में पीसूँगी क्योंकि एक साथ सारा नहीं जाएगा। और इसी में मैं बाकी का भी डाल दूँगी और डालकर मैं इसे पीस लेती हूँ। पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना फाइन सा पेस्ट बन गया है ये, और कलर भी इसमें काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमें कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैंगो फीके कलर का हो तो आप इसमें कलर ज़रूर ऐड करें। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ml आधा लीटर टोन्ड मिल्क। आप चाहें तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। इस दूध से हमें छेना बनाना है इसलिए मैंने लिया है। और यहाँ पे एक पैन में मैं ले रही हूँ ये मैंगो का जो पल्प मैंने निकाल के रखा था वो सारा मैं ले लूँगी। इसे हमें अभी थोड़ा पकाना है इसलिए, तो ये मैं पैन में निकाल रही हूँ। देख रहे हैं आप कि मैंने तेल वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, बस इसे हमें ऐसे ही हल्का सा सुखा लेना है क्योंकि ये काफ़ी गीला है इसलिए। तो इसे मैं थोड़ी देर पकाऊंगी, इसे कलर चेंज होने तक हमें पका लेना है और हल्का सा इसे सुखा भी लेना है। तो मैं इसे लो फ्लेम में चलाते हुए पकाऊंगी। इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल, वरना ये नीचे लग जाएंगे और जल भी सकते हैं, तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए आप इसे चलाते हुए पकाएंगे। और देखिए ये बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे, इतना ही हमें पकाना है। और कलर में भी देखिए कितने अच्छे से शाइन आ गए हैं। अब इसे हमें रख देना है ठंडा होने के लिए, तो मैं इसे रख देती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने जो मैंने टोन्ड मिल्क लिया था उसे मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ाया है। इसे एक बॉयल आने तक हमें पका लेना है। तो देखिए इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। इसमें हमें मलाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसे, इसलिए हमें इसे चलाते हुए पकाना है। हल्का सा बॉयल आ गया है, उसके बाद हम इसे गैस से उतार लेंगे क्योंकि हमें इसका छेना बनाना है। तो ये मैं साइड में रखती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 500 ml आधा लीटर। ये मैं रबड़ी बनाने के लिए ले रही हूँ, रबड़ी फुल फैट मिल्क से अच्छे बनते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 कप पाउडर मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर पाउडर मिल्क आप नहीं लेना चाहते तो फुल फैट मिल्क आप 1 लीटर ले लेंगे और उसे रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के लिए 1 लीटर दूध हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पाउडर दूध का इस्तेमाल किया है। पाउडर दूध अगर आप डालकर इसे रिड्यूस करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे मैंने ठंडे दूध में मिल्क पाउडर मिक्स किया है, तो इसे मिक्स होने में हल्का सा गर्म, जब तक नहीं होता है दूध तो मिक्स अच्छी तरह से नहीं होते हैं, तो हल्का सा गुनगुना होने के बाद अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। वो मैंने रिड्यूस करने के लिए छोड़ा है गैस पर धीमे आँच में। और यहाँ पर मैंने जो दूध उबाल कर रखा था पहले उसमें हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं दही डालकर दूध को फाड़ रही हूँ। 200 ग्राम मैंने दही ले लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे हम इसी तरह हिलाते जाएंगे और देखेंगे कुछ देर बाद ये दूध कर्डल होने लगेगा। तो आप एक साथ सारा दही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसे चलाएँगे जब तक दूध फट नहीं जाता। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ज़्यादा खट्टा दही आप ना लें। दही डालकर छाना इस तरह से बनाने से छेना तो ये खट्टा ज़्यादा नहीं होता है और इसे हमें धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी सॉफ्ट छेना बनता है। मैंने पहले भी बताया अपने रसगुल्ले की रेसिपी में, मैंने रसगुल्ले की रेसिपी
अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखें। और हाँ, मैंगो से बनने वाली भी कई सारी रेसिपीज़ मैंने बना रखी है मेरे चैनल पर, अगर आपको देखना हो तो मैं लिंक दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाकर रेसिपीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा दूध पानी छोड़ दिया है और मैं इसे छलनी में डाल दिया है मैंने, और इसे हल्का सा हिलाते हुए पानी सारा रिड्यूस करना है हमें। बहुत ज़्यादा दबा कर या ये कर कर हमें पानी नहीं निकालना, हल्का सा पानी इसका निकल जाएगा उतना ही काफ़ी है। तो देखिए पानी हमारा रिड्यूस हो चुका है और यहाँ पे मैं इसे अब छोड़ देती हूँ इसी तरह से। दूसरी तरफ मैं ब्रेड ले रही हूँ। ब्रेड मैंने लिया है 8 पीस, ये मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी बना सकती हैं। इसे मैं एक ग्लास से काट लूँगी गोल कर राउंड शेप में, अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप मोल्ड से भी काट सकती हैं। ये अब बचे हुए ब्रेड को मैं ब्रेड क्रम बना लूँगी या फिर किसी और चीज़ में मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने 8 पीस ब्रेड से बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। ब्रेड का ये हिस्सा आप दूसरे रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से कुछ बनाकर भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं सारे ब्रेड को इस तरह से निकाल लूँगी सर्कल करके, आप दूसरे शेप में भी बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई भी शेप में आप बना सकते हैं। मुझे राउंड पसंद है क्योंकि रसमलाई राउंड शेप की होती है और मैं रसमलाई बना रही हूँ इसलिए। यहाँ पे दूध हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, ये देखिए काफ़ी मलाई आ गई है ऊपर। इसे आपको लगातार चलाते रहना है और बिल्कुल लो फ्लेम में बनाना है। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ चीनी, ये चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देना है। 2 चम्मच मैं भर कर दे रही हूँ बड़े चम्मच का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना। ये हमारा अब गाढ़ा हो चुका है, मैं पूरा इसमें से निकाल ले रही हूँ और थोड़ा मैं पैन में ही रखूँगी क्योंकि मुझे इसे यूज़ करना है। तो इसी मिक्सचर में मैं डाल रही हूँ, ये मैंने जो पनीर निकाल के रखा था छेना, उसे डाल दे रही हूँ मैं दूध के मिक्सचर में और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट सा बन जाएगा और ये इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा बन जाता है। और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शुगर इसमें भी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालें। तो इसी तरह से अब हमें इसे सुखा लेना है, बट बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना क्योंकि ये टाइट हो जाएगा वरना। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, अपने पसंद के ड्राई फ्रूट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ, डालकर मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया है और इसका पानी सूख गया है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मैंगो पल्प जो मैंने निकाल के रखा था, ये मैंने डाल दिया है। इसे डालकर मैं मिक्स करूँगी, जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत हो उतना ही आप डालें। अगर मैंगो पल्प ज़्यादा मीठा है तो चीनी आप उसी हिसाब से डालें। ये मैंने जो मैंगो पल्प लिया है काफ़ी मीठा है, इसलिए मैंने बस 2 ही चम्मच चीनी डाली है इसमें। और मैंगो पल्प भी आप देख लें, आपको जितना इसमें चाहिए उतना ही डालें। तो मैंने डाल दिया है और देखिए सूख गया है ये काफ़ी, और इसे मैं अब बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इसे अब हम यूज़ करेंगे। तो हमारा फीलिंग तैयार है बिल्कुल रसमलाई की, तो कितना अच्छा सा कलर आया देख रही हैं। अब इसे हम फील करेंगे, इसे हमें मिडल में रखना है ब्रेड के और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। जितना क्वांटिटी आपको पसंद हो आप उतना डालिए और ऊपर से मैं एक पीस लेकर इसे दबा दूंगी और साइड से मैं इसी तरह से इसके सील कर दूंगी। इसमें मैंने पानी वगैरह नहीं लगाया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, पर ब्रेड ऐसे ही चिपक जाता है, आप थोड़ा दबाएंगे और देखेंगे कि ये चिपक जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो पानी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एक रेडी हो गया है, अगर आप चाहें तो इसे हाथ से इस तरह से दबाकर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए इसकी भी मैंने मिडिल में रखा है बिल्कुल सेंटर में, और इसे मैंने साइड से थोड़ा मैंने खाली रखा है क्योंकि हमें इसे सील करना है इसलिए। इस तरह से मैं 4 पीस ही अभी बना रही हूँ और ये मिक्सचर हमारा काफ़ी बच जाएगा और इसे आप फ्रीज में रख सकते हैं और इंस्टेंट कभी भी आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। मैंने जो ये रबड़ी और अंदर की फिलिंग बनाई है ये काफ़ी क्वांटिटी में है, इससे और भी बन सकते हैं, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, बाकी का मैं बाद में यूज़ करूंगी। और यहाँ पे मैं बस 4 पीस ही बना रही हूँ, ये ख़राब नहीं होते, आप 2-4 दिन रख कर इसे बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। मेहमान आने वाले हों तो आप थोड़े कई दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रीज़र में आप रख दें। यहाँ पे मैं मैंगो का पल्प जो था वो मैं रबड़ी में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मैंगो फ्लेवर में चाहिए इसलिए। तो ठंडा होने के बाद हम मैंगो पल्प ऐड करेंगे, बिल्कुल भी इसे गर्म दूध में ऐड ना करें,
वरना दूध फट सकते हैं। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया है और टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आता है। बस आपके आम मीठे होने चाहिए, आम खट्टे हुए तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिया है और अच्छी सी गाढ़ी रबड़ी बन गई है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो एक प्लेटर मैं ले रही हूँ और उसमें हम इस रसमलाई को सजा देंगे। तो ये देखिए मैंने चार ही बनाए हैं अभी, और इसके ऊपर हम पोर कर देंगे ये रबड़ी और हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, और खाने में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं रबड़ी डालने के बाद ऊपर से गार्निश कर दूँगी हल्का सा फिर से बादाम से, बादाम और पिस्ते से, ताकि इसका लुक और भी अच्छा आ जाए। और इसे आप फ्रिज में रख कर 2-3 दिन तक खा सकते हैं। तो देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं और देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और खाने में तो पूछिए ही मत, इतना टेस्टी बनता है कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करें इस तरह से रेसिपी। और इसे बनाना इतना आसान है कि कभी भी आप बना लेंगे। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।